रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरा देश राममय होगा, इसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से 22 को ड्राई डे घोषित करने की मांग की थी। मोहन यादव ने अब 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया है। 22 जनवरी 2024 विश्व के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। 500 साल इंतजार करने के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की थी कि 22 तारीख को ड्राई डे घोषित किया जाए। मोहन सरकार ने बिना कोई आपत्ति जताए इस मांग को पूरा कर दिया। अब मध्य प्रदेश में 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा। पीसी शर्मा ने कहा कि मोहन सरकार सुनिश्चित करे कि श्रीलंका में सीता माता का मंदिर भी बने और राम पथ गमन का रूट ऐसा बने कि लोग उस पर चल सकें। मैंने मुख्यमंत्री मोहन यादव की थी कि 22 जनवरी जब राम लला विराजित होने जा रहे हैं अयोध्या में, तब मध्य प्रदेश में भी ड्राई डे रखा जाए, क्योंकि लोग इस समय राम भक्ति में लीन है। कहीं सुंदरकांड हो रहे हैं, कहीं भगवान राम के कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में होना चाहिए। उन लोग मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, इसलिए मोहन यादव जी मुख्यमंत्री का मैं आभार करता हूँ। साथ ही ये निवेदन है उनसे कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी जाना चाहेंगे तो उनकी ऑप्शनल छुट्टी या जो भी हो सकता है उन कर्मचारियों के लिए वो स्वीकृत करें। और मध्य प्रदेश के जिन लोगों ने 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए या जितना भी चंदा राम मंदिर बनने के लिए दिया है, उनको भी आमंत्रण मिले, ये चंपत राय जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों के पुजारी और संत जो हैं उनके जाने की भी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करें, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे दर्शन कर सकें, ये आग्रह मुख्यमंत्री जी से है। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 3-4 साल हो गए, लेकिन राम वन गमन पथ पर कोई बात बीजेपी की सरकार ने नहीं की। जब कमलनाथ जी की सरकार थी और मैं धर्मस्थ मंत्री था, तो 1 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए थे इसके लिए। और राम वन गमन पथ पूरा जब होगा, जब सीता जी का मंदिर श्रीलंका में बने, जहाँ उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान राम वहाँ से सीता जी को अयोध्या लाए थे। इस संदर्भ में मैं जब मंत्री था और ACS मनोज श्रीवास्तव जी थे, तो हम लोग श्रीलंका भी गए, जगह चिन्हित की, वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री से मिले और जगह फाइनल उस समय वहाँ हो गई थी। पहले विरोध होता था, विरोध भी सब समाप्त हो गया। मेरा निवेदन है कि सरकार का नुमाइंदा वहाँ जाए, देखे और राम वन गमन पथ का काम भी शुरू हो और वहाँ सीता जी का मंदिर बने और लोग एहसास कर सकें राम वन पथ पर चल कर भगवान राम को महसूस कर सकेंगे। जब वो राम मंदिर बन जाएगा उस पर लोग जा सकेंगे। फ्राइडे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।